ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜੈਂਟ ਆ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਕੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਆਨੀ ਕਬਾਬ ਤੇ ਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਹੁਣੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਮਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਮਸਤੇ ਟੂ ਯੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਹੂੰ ਰੀਜੈਂਟਾ ਐਂਡ ਰਾਇਲ ਔਰਕਿਡ ਹੋਟਲਸ ਕੇ ਲੀਏ ਰਾਇਲ ਔਰਕਿਡ ਐਂਡ ਰੀਜੈਂਟਾ ਹੋਟਲ 100 ਹੋਟਲ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਹੋਟਲ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ हम लोग 300 रूम का होटल मुंबई में आ रहे हैं बाई दिस दिवाली एंड वी हैड आल्सो लॉन्च 288 रूम होटल एट सूरत सर आज अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के विच जेड़ा हैगा वेट का बाईपास तो दा रेस्टोरेंट है होटल है सारा इदे विच तुसी की अज नवा की लेके आए सर रिजेंटा प्लेस वेरका बाईपास अमृतसर जो है हमारे 4 होटल हैं अमृतसर में उसमें सबसे मोस्ट प्रीमियम होटल है और इस होटल में आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कबाब बिरयानी एंड करी फेस्टिवल का जो 10 दिन चलेगा और पहले दिन में भी हमारा आप रिस्पांस देख रहे हैं इट्स 100% फुल और एज ए रिजेंटा होटल हम लोग हमेशा फूड पर फोकस करते हैं अमृतसर मुझे पता है स्वाद के विषय में जाना जाता है तो हमारा भी फोकस रहता है सत्कार स्वच्छता और स्वाद जिसको टेस्ट कहते हैं आपा तो भारत में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा अच्छा खाना या तो अमृतसर में है या हैदराबाद में है या लखनऊ में है या कोलकाता में है हमारे इन सारे जगह पे होटल हैं बट अमृतसर में 4 होटल हैं और फूड फेस्टिवल स्पेशली हम इसलिए कर रहे हैं कि रोज़ जो हम मेनू सर्व करते हैं मल्टी कुजिन वो तो है ही है उससे थोड़ी बकरी चीज़ें हमारे सेलिब्रिटी शेफ सुशील मिश्रा हैं जिन्होंने रिसर्च किया है नॉर्थ इंडियन फूड पे एंड स्पेशली पंजाबी एंड नॉर्थ फ्रंटियर और इसका मुख्य जो ये है हमारे इस फेस्टिवल में केकड़े वाली गल ते आ लगा क्योंकि केकड़ा पंजाब दे विच मैं तो पहली बार देखा और ये किस तरीके ना एक्सेप्ट कर रहे ने पंजाबी लोग इसे खान दे विच सर पंजाब में भी केकड़ा का बहुत डिमांड है सी फूड का बहुत डिमांड है और हमारे 5 होटल हैं गोवा में तो वहाँ हमारा जो 5-स्टार होटल है वहाँ के शेफ से हमारे सेलिब्रिटी शेफ सुशील मिश्रा ने स्पेशल रेसिपी और केकड़ा वहाँ गोवा से मंगाया है और उससे हम बिरयानी बना रहे हैं उसके अलावा हमारे पास चंपारण मीट है जो कि काफ़ी डिमांड था हमारे जो गेस्ट 30,000 लोगों ने हमारे पिंक्स रेस्टोरेंट को पॉपुलर किया पहले साल में रिजेंटा प्लेस वेरका बाईपास में तो उनका डिमांड था कि कोई हम अच्छी फूड फेस्टिवल लाएं जिसमें हम चंपारण मीट को रखें जो पूर्वी क्षेत्रों में अपने भारत के बहुत फेमस है खास करके ईस्टर्न जोन व्हाट वी कॉल्ड इट एंड गोवा से हमने केकड़ा मंगाया क्योंकि लोग बोलते थे कि यार गोवा की फ्लाइटें बहुत महंगा हो गई है तो हमें गोवा का खाना यहाँ मिल सकता है क्या एंड सिंस वी हैव रेस्टोरेंट एंड मल्टीपल रेस्टोरेंट एंड 5 होटल्स इन गोवा हमने वहाँ के शेफ से नेटवर्किंग करके और यहाँ फूड फेस्टिवल शुरू किया और इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है दोस्तों तुहानू हुण गोवा का जिहड़ा फूड है वो सी फूड वो इत्थे भी अवेलेबल है अमृतसर के अमृतसर के खा सकते हो सी फूड तो मेरे नाल जिहड़े सर ने इन्होंने सारी गलबात समझा रहे हैं सर होर की इस मेन्यू के बफेट है देखिए हमारे पास गिलोटी कबाब हैं हमारे पास पनीर काकोरी है जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी हमने बिरयानी में कटहल बिरयानी बनाया है स्पेशल तो ये सब शेफ का रिसर्च है और इस हिसाब से हमने लाइंड अप किया है कबाब करी एंड बिरयानी का और बिसाइड दैट देयर आर लॉट ऑफ किड्स मेनू वी हैड क्राफ्टेड सो दैट किड्स आल्सो एंजॉय देयर आर प्लेटर्स ऑफ डेजर्ट व्हिच इज बीइंग सर्व्ड व्हिच इज राइट फ्रॉम मुगलाई टू नॉर्थ फ्रंटियर अवधी हैदराबादी एंड कोलकाता एक कितने दिन चलेगा और ये फेस्टिवल के विच किस तरीके ना बुकिंग करवानी होगी सर इस फेस्टिवल का जो ये है टेन्योर है वो 10 दिन का है 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक चलने वाला है और एवरेज प्राइसिंग जो है फैमिली के लिए अराउंड 2000 में फैमिली डाइनिंग हो सकती है और हमारा जो बुकिंग का पैटर्न होता है आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं हमें और प्रायः रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इस होटल का आपने अगर थर्सडे और ट्यूजडे को भी आना है तो बुकिंग करवा के आनी पड़ती है ऑल्दो हमारा रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है हमने नया पीडीआर खोला है प्राइवेट डाइनिंग एरिया जहां गेस्ट अपनी मर्जी का ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं फूड ऑर्डर कर सकते हैं और प्राइवेसी में भी खा सकते हैं पिंक्स के अलावा सालसा बार है हमारे पास तो बहुत ही फेमस है बहुत पॉपुलर है और ट्यूजडे फ्राइडे प्रायः रंजीत एवेन्यू और किसी एरिया में देखें रेस्टोरेंट में रश नहीं होता है बट हमारा रोज ही फुल रहता है सो थैंक यू अमृतसर फॉर दिस
ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ सर एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन द पोर्शन साइज हमारे पास आला कार्ड भी है और बुफे भी है तो 2000 में प्रायः अगर आपने एक एवरेज प्राइसिंग है वैसे तो काफ़ी किफायती आप 2000 में 3-4 लोग डाइनिंग कर सकते हैं मतलब 2000 रुपया तुसी अगर लेके आंदे हो तो उसके नाल तुसी डाइनिंग कर सकते हो पर उस तो वध जे अगर तुसी लगता है कि तुहानू ये होर विच दे विच मेन्यू दे विच शामिल करना है तो वह एक्सट्रा तुहानू हो सकता है पर एक जिहड़ा तुहाडा रिजेंटा प्लेस है इहदे होर की नवा आने वाले दिनों देखने को मिलेगा क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है समर छुट्टियों का समा आना सर हमने होलीडे मेकर्स के लिए लाइनअप किया है यहाँ पे 40 ब्यूटीफुल रूम एंड स्वीट्स हैं बिसाइड दैट पिंक्स रेस्टोरेंट है सालसा बार है 2 ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल विच वी हैव जो 150 लोगों का है एक 300 लोगों का है उसके साथ 2 लॉन अटैच्ड हैं बिसाइड दैट अगर कोई हमारे साथ रहते हैं तो उनके लिए इनडोर गेम्स हैं बच्चों के लिए सीनियर सिटीजन कॉर्नर्स हैं सो होटल एक बैलेंस्ड है जिसमें आप पूरे फैमिली के साथ चाहे वो सीनियर सिटीजन हो बच्चे हो बुजुर्ग हो या यंग हो सबके लिए वैरायटी ऑफ फूड एकोमोडेशन एंड एंटरटेनमेंट अवेलेबल है साढ़े नाल सैफ भी ने उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करते हैं थोड़े अगर गलबात कराने की कोशिश करते हैं मेरे नाल सुशील जी ने सुशील जी ये सी फूड है और इसको पंजाब में आप लॉन्च कर रहे हो लोग कैसे पसंद कर रहे हैं आपने 2 दिन हो गए आज दूसरा दिन है तो लोग इसको केकड़ा खाने में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सर जनरली कि यहाँ पे मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ पंजाब में यहाँ के टेस्ट के बारे में जो पता है कि किस तरह लोग प्रेफर कर रहे हैं खाना किस तरह चटपटा बना रहे हैं लाइक कर रहे हैं इसीलिए क्रैब को मैंने इसको स्पेशली जो है इंडियन स्पाइसेस से मैरिनेट करके सर इसको दम लगा के हंडी में बिरयानी प्रिपरेशन में मैंने एक बार डेमो इनको देखे उसके बाद इस पर सर्च किया काफ़ी इनका अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद मैंने इसको ऐड किया सर फेस्टिवल में इसका अच्छा रिस्पांस मिला इससे पहले ऑलरेडी भी मैंने टेस्ट करवाया था ये तैयार है ये वाला तैयार है सर प्रिपरेशन जो है ना अभी ये दम लगा के लगता है ये डिस्प्ले के लिए है जनरली इसको मैं मैरिनेट करके सड़क रखा जाता है 1 घंटा के लिए उसके बाद उसको दम मार के राइस के साथ बासमती राइस के साथ